इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज CIMS के अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नागपुर जिले में पानी के माध्यम से प्रसारित होने वाले COVID-19 और अन्य संचारी वायरल संक्रमणों के संचरण का अध्ययन करने के लिए अवशिष्ट जल महामारी विज्ञान पर भारत की पहली बड़ी बहुसहयोगी अनुसंधान परियोजना शुरू की। इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भागीदारों यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम UK द्वारा प्रदान किए गए वैश्विक चुनौतियां अनुसंधान कोष के माध्यम से 2,35,00,000 के अनुदान के तहत 6 महीने के लिए अवधि के लिए निष्पादित किया गया था। GCRFF अनुदान विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया आंतरिक बीज अनुदान है जो उच्च गुणवत्ता वाले अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देने और UK और अन्य विकासशील देशों के वैज्ञानिकों के बीच ज्ञान विनिमय अनुसंधान और नवाचार की क्षमता को मजबूत करके विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करता है। वायरल रोगजनों की निगरानी के लिए अवशिष्ट जल महामारी विज्ञान एवं मूल्यवान जनसंख्या स्तर का दृष्टिकोण रहा है और विभिन्न संदर्भों के लिए दुनिया भर में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। COVID-19 महामारी के बीच हाल के दिनों में कई शोध अध्ययनों ने SARS-CoV-2 के समुदाय जोखिम और संचरण के अध्ययन के लिए एक संकेतक के रूप में अवशिष्ट जल महामारी विज्ञान की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया है। यह अवधारणा हाल ही में प्रकाशित साक्ष्यों पर आधारित है जो यह सुझाव देता है कि SARS-CoV-2 के लिए AC2 रिसेप्टर्स लक्षणात्मक और स्पर्शानुमुख दोनों व्यक्तियों में छोटी आंत में बहुतायत से व्यक्त किए जाते हैं जो वायरल प्रतिकृति और मानव मल के माध्यम से पर्यावरण में इसके स्राव की अनुमति देते हैं। वातावरण में SARS-CoV-2 की वायरल RNA प्रतियों के अनुमान को विशेष इलाके क्षेत्र या शहर में COVID-19 रोग के संपर्क में आने वाली आबादी की मात्रा के अप्रत्यक्ष संकेतक के रूप में लिया जाता है। एक्चुअली हम लोगों ने अलग अलग जोन से अलग अलग वार्ड से वेस्ट वाटर में कोविड देखने की चेष्टा की तो हमको हमारी सिटी में करीब 60-70% जो वेस्ट वाटर है उसमें हमको दिखाई दिया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कोविड आने के पहले हमारे को उसके लक्षण वाटर में दिखे और ख़त्म होने के पहले ही जब कोविड एक्चुअली हमको दिखा सिटी में ख़त्म हो रहा है उसके पहले वाटर में ख़त्म हो। इसके अलावा दूसरे कीटाणु हमको रोटावायरस हेपेटाइटिस ए और भी जितने एडेनोवायरस वगैरह है वो भी हमने देखे। ड्रग को भी हमने देखने की कोशिश की जैसे डायबिटीज़ के ड्रग है मेटफॉर्मिन उसके बारे में इतना बोला गया है कि शायद वो कोविड में हेल्प करती है ऐसा लोगों ने पब्लिश किया है इसलिए हमने उसका भी देखा। वेस्ट वाटर के ही माध्यम से मतलब आपका ध्यान क्यों आकर्षित हुआ कि इसमें ही कोविड मिल सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरस है जो भी जाता है वो स्मॉल आपके इंटेस्टाइन अकड़ियों में जो जाता है वहाँ पे जाके उसके रिसेप्टर्स होते हैं और अल्टीमेटली स्टूल के थ्रू वो आपके बाहर निकलता है तो इसीलिए आसान है इस चीज़ को ढूंढना और इसमें छुपाया नहीं जा सकता। बाकी जगह पेशेंट अपने आप को हाइड करते थे कई जगह करते थे आपको ठीक से समझता नहीं है किस एरिया में क्या हो रहा है बट डेफिनेटली इससे छुपाया नहीं जा सकता। कितने जोन में आपने सर्च किया? 10 जोन में हमने नागपुर के सभी वार्ड में प्लान वाइज सिस्टमेटिकली स्टैटिकली सिग्निफिकेंट नंबर लेके इसको एनालिसिस किया। अवशिष्ट जल महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए नागपुर शहरी और नाले के 10 अलग अलग नगर पालिका क्षेत्रों से नगर पालिका अवशिष्ट जल एकत्र किया गया था। पूरे नागपुर जिले को कवर करने वाले 13 अलग अलग तालुका के सामान्य अवशिष्ट बिंदु एकत्रित अवशिष्ट जल को PLL इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में संसाधित किया गया जिसमें SARS-CoV-2 के लिए न्यूक्लिक एसिड निष्कर्षण और बाद में विश्लेषण किया। SARS-CoV-2 के अलावा सिम्स के वैज्ञानिक ने भी 6 सामान्य एंटेरिक वायरस के RT-PCR द्वारा वायरल लोड का विश्लेषण किया जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के एकत्रित अवशिष्ट जल से रोटा वायरस हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ई नोरो वायरस एंडोवायरस और एंटोवायरस शामिल है। वायरल लोड विश्लेषण के अलावा अध्ययन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अवशिष्ट जल में संभावित वायरल वंशवाली और उनके क्लस्टरिंग की पहचान करने के लिए 280 न्यूक्लिक एसिड नमूनों का शॉटगन मेटागोनोमिक्स अनुक्रम विश्लेषण भी किया। मेटागोनोमिक्स एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रहा है जो अवशिष्ट जल में मौजूद रोगाणुओं और वायरस का पता लगाने और व्यापक विश्लेषण की अनुमति देता है। जैव सूचना विज्ञान के साथ साथ मेटागेनोमिक्स को अब वायरस के लक्षण वर्णन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए शमन कार्यक्रमों के विकास के लिए अवशिष्ट जल में नए रूपों की खोज के लिए तेजी से नियोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपुर।